हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ट्रेडर का ऑडिट करते हुए जीएसटी ऑफिसर कौन से पॉइंट्स चेक करेगा, इसके लिए चेकलिस्ट जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि ट्रेडर्स का ऑडिट किया जाता है तो कौन से चेक पॉइंट्स होंगे, इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चेकलिस्ट जारी की गई है। यानी कि इनवाइसिंग पैटर्न चेक किया जाएगा कि क्या जीएसटी की इनवाइस रूल 46 के अकॉर्डिंग इशू की गई हैं, क्या गुड्स के लिए इनवाइस ट्रिप्लिकेट में इशू की गई हैं, यदि एडवांस रिसीव किया गया है तो क्या रिसीट वाउचर मेंटेन किए गए हैं, और क्या एडवांस पेमेंट के लिए पेमेंट वाउचर रूल 52 के अकॉर्डिंग इशू किए गए हैं। इसके अलावा क्या रिवाइज इनवाइस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जीएसटी रूल के अकॉर्डिंग इशू किए गए हैं, क्या एक्सपोर्ट इनवाइस के लिए जो इनवाइस बनी है उस पर सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स और सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और नोटिस ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, ये वर्ड मेंशन किए गए हैं। फ्रेंड, जीएसटी की रिटर्न को चेक करते हुए देखा जाएगा कि क्या आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जो GSTR 1 में दिखाई है, वो जो सेल अकाउंट मेंटेन किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके साथ टैली करती है, क्या नील रेटेड एग्जम्प्टेड या नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई की सेल जो GSTR 1 में दिखाई है वो प्रॉपर है, क्या रेट ऑफ टैक्स प्रॉपरली अप्लाई किए गए हैं GSTR 1 में। इसके अलावा जीरो रेटर सप्लाई जो GSTR 1 में दिखाई है उसे रिकॉर्ड के साथ कंपेयर किया जाएगा ट्रेडर के। इसके अलावा ये भी चेक किया जाएगा कि क्या टैक्स पेयर के द्वारा GST की रिटर्न टाइमली फाइल की गई हैं, और GSTR 1 की डिटेल को GSTR 3B की डिटेल के साथ भी क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलमेंट को भी चेक किया जाएगा, क्या टैक्स पेयर के पास सभी इनवाइसेज हैं जिसके लिए कि उसने अपना ITC क्लेम किया है GSTR 3B में। इसके अलावा क्या कोई ऐसा ITC तो नहीं है जो कि नेगेटिव लिस्ट ऑफ गुड्स या सर्विस में मेंशन है, यानी कि जिसका कि ITC नहीं ले सकता है। इसके अलावा ये भी चेक किया जाएगा कि क्या जो ITC अवेल किया गया है वो किसी डिमांड जो कंफर्म की गई है फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट एक्स्ट्रा की वजह से तो नहीं क्लेम किया गया है जो कि इन एलिजिबल है। इसके अलावा यदि इनपुट या इनपुट सर्विस पार्टली बिजनेस और पार्टली नॉन बिजनेस पर्पज़ के लिए, या कैपिटल गुड्स पार्टली बिजनेस पार्टली नॉन बिजनेस या एग्जम्प्ट पर्पज़ के लिए यूज़ की गई हैं तो क्या इनपुट एज क्रेडिट अकॉर्डिंगली रिवर्स कर दिया गया है, ये भी चेक किया जाएगा रूल 42 और रूल 43 के अंतर्गत। इसके अलावा जो ITC अवेल किया गया है GSTR 2A से, उसे परचेज अकाउंट के साथ कंपेयर किया जाएगा ये देखने के लिए कि क्या आइटम्स एक्चुअली परचेज की गई थी ITC अवेल करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये भी चेक किया जाएगा कि यदि कैपिटल गुड्स बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज की गई हैं और इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया गया है तो टैक्स कंपोनेंट पे आप इनपुट एज क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्या सप्लायर को पेमेंट 180 डेज के अंदर कर दी गई है इनवॉइस के इशू हो जाने के बाद, और क्या GST एक्ट के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट विद इन टाइम लिया गया है। इसके अलावा Train 1 और Train 2 को भी वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि GST एक्ट आने से पहले जो रिटर्न फाइल की थी और जो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट आ रहा है उसे चेक किया जाएगा। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि क्या कैपिटल गुड्स का जो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया गया है वो स्टेट वैक्ट के अकॉर्डिंग ही लिया गया है, और यदि जो वर्कर को गुड्स भेजी गई हैं इनपुट सेमी फिनिश्ड या कैपिटल गुड्स तो क्या वो विद इन टाइम रिटर्न कर दी गई हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, Train 1 और Train 2 की डिटेल स्क्रूटनी भी की जाएगी। फ्रेंड, GST एक्ट के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यूएशन की प्रोविज़न भी चेक की जाएंगी, क्या गुड्स के केस में इनवाइस प्रॉपरली बनाई गई है एज पर सेक्शन 12, क्या GST एक्ट के अंतर्गत जो रिवर्स चार्ज के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी पे करनी थी उसे प्रॉपरली पे किया गया है। फ्रेंड्स, यदि डिस्काउंट अलाउ किए गए हैं डीलर को तो रेगुलर ट्रेड प्रैक्टिसेस इस केस में देखी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई अमाउंट परचेजर के द्वारा इनकर किया गया है तो क्या उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लिया गया है, या फिर यदि कोई लेट फीस पेनल्टी या इंटरेस्ट चार्ज किया गया है डिलेड पेमेंट के लिए तो क्या उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लिया गया है, यदि रेट ऑफ टैक्स चेंज हुए हैं तो क्या इसे प्रॉपरली टाइम ऑफ सप्लाई की प्रोविजन के अकॉर्डिंग अकाउंट फॉर किया गया है। कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई के केस भी चेक किए जाएंगे। यदि कोई सेल रिलेटेड पार्टी को की गई है तो क्या जो प्राइस अनरिलेटेड पार्टी से चार्ज किया गया है उसकी कंपैरिजन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है,
और जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो गुड्स या सर्विसेज दी गई हैं वो क्या वैल्यूएशन रूल के अकॉर्डिंग प्रोविज़न को कंप्लाई किया गया है, ये सभी पॉइंट चेक किए जाएंगे। फ्रेंड्स, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत गुड्स और सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविज़न को चेक किया जाएगा कि क्या प्रॉपरली CGST, SGST या फिर IGST चार्ज किया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टॉक वेरिफिकेशन भी की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। रिस्क प्रोन कमोडिटीज़ की स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब ऑडिट विजिट किया जा रहा है उस दिन जो स्टॉक इन ट्रेड है क्या वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ टैली हो रहा है, इसे भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ और पॉइंट को भी चेक किया जाएगा, यानी कि टोटल टैक्सेबल टर्नओवर जीएसटी रिटर्न में कितनी दिखाई है और बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल अकाउंट में कितनी दिखाई है, ये चेक किया जाएगा। इसके अलावा रेशियो चेक की जाएगी नेट परचेजेस वर्सेस नेट सेल की, यानी कि नेट परचेजेस इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक चेक किया जाएगा और ITC का बैलेंस कितना है ये चेक किया जाएगा। इसके अलावा कितनी वैल्यू एडिशन की गई है ये परसेंटेज चेक की जाएगी, यानी कि कैश पेमेंट GST की कितनी की है टोटल लाइबिलिटी की कंपैरिजन में, और GST आने से पहले आपकी टर्नओवर कितनी थी उसे चेक किया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि कहीं सेल को कम करके तो नहीं दिखाया गया है। आप इस चेक लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।